Hello all, my name is Shaharyar Jalaluddin and welcome to Coding Challenge Day 2. आज का हमारा चैलेंज ये है कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है जिसमें हम दो पैरामीटर्स लेंगे इंटीजर वैल्यूज़ में ए एंड बी, और उस दो पैरामीटर्स का जिसमें हम इंटीजर वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे उसका सम रिटर्न करेंगे। बट अब यहाँ पे कंडीशन है, अगर इन दो पैरामीटर्स की वैल्यू अलग होगी, जैसे यहाँ पर 1 है और 2 है, तो ये अलग वैल्यूज़ है, ये मैच नहीं करी एक दूसरे से, तो हम यहाँ पर सिंपली इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे और उसका आउटपुट आएगा 3। अगर दो वैल्यूज़ सेम है, जैसे 2 and 2 इज़ सेम, सही है, ए इक्वल्स टू बी, तो हम इन दो वैल्यूज़ का पहले सम करेंगे और फिर इसका डबल करके उसका रिटर्न कर देंगे, जिस तरह यहाँ पर किया है 8। 2 + 2 कितना होता है 4, और 4 का डबल 8। सो ये था हमारा आज का चैलेंज। सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई योर सेल्फ फर्स्ट। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करूँगा, सम अंडरस्कोर डबल, और यहाँ पर पैरामीटर्स पास करूँगा ए एंड बी। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ ए इक्वल इक्वल्स टू बी, तो हमें क्या करना है कि रिटर्न कर दो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2, कि पहले उसका सम करो आप ए प्लस बी का और उसको फिर क्या डबल कर दो, एल्स क्या करो रिटर्न ए प्लस बी। अब हम पहले लगाएंगे सम अंडरस्कोर डबल इक्वल्स टू 1 और 2 पास करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया आउटपुट 3। अब हम इसी को कॉपी पेस्ट करते और यहाँ पर वैल्यू पास करते 2, तो आ गया हमारा आउटपुट 8। अब यहाँ पर अगर हमें लाइन थोड़ी सी कम करनी हो तो हम यहाँ ये कर सकते हैं कि इस लाइन को हटा सकते हैं यहाँ से, और रिटर्न को हम थोड़ा सा बैक स्पेस कर देंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जब ये देखा कि इफ कंडीशन यहाँ ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद एल्स प्रोवाइड किया हमने। तो ये था हमारा डे 2 का चैलेंज। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैलेंज के साथ। टेक केयर।